सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, और उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। तो आज यार मैं व्लॉग ना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और इस टाइम मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ जयपुर फैमिली के साथ, और हमारा प्लान ना एकदम से बना है। मतलब भाई हमारी फैमिली में यही चीज़ है, ये एंड टाइम पे प्लान बनाते हैं। आराम से हम बैठे हुए थे तो एकदम से पापा ने कहा कि भाई चलो जयपुर चलते हैं, क्योंकि इन्हें काम भी था, हम थोड़ी आउटिंग कर लेंगे, है ना। बाकी स्टे ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि डैडी को काम है, तो उसी वजह से मेन है हमारा पर्पस जाने का। तो ज़्यादा तो हम आउटिंग करेंगे नहीं, पर हाँ जितना भी हो पाएगा उतनी मैं आपको वहाँ पे प्लेसेस दिखाऊंगा। सेकंड टाइम मैं जयपुर जा रहा हूँ पिछले 2 या 3 महीने में। इससे पहले बार जब मैं गया था तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया, नहीं तो मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घूमा था। मैं 2-3 दिन का मैंने वहाँ पे स्टे किया था, तो इस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रेडी हो चुके हैं सारे, बस निकलते हैं। और रेक्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि भाई मामा और नानी हमारे यहाँ आएंगे, तब तक मामा और नानी यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि भाई जब हम मसूरी गए थे ना, हमने रेक्स को बोर्डिंग में छोड़ा था, हमारे यहीं पास में ही है बोर्डिंग, वहाँ पे छोड़ा। तो जब हम 1 वीक के बाद उसे लेने के लिए आए थे ना, तो रेक्स की नेक के नीचे पूरे ना रैशेज हो गए थे, पता नहीं कैसे उन्होंने क्या किया था उसके साथ, हमें नहीं पता। तो इस वजह से यार इस बार हमने बोर्डिंग में उसे नहीं छोड़ा है, हमने सोचा था कि नानी के यहाँ पे छोड़ जाते उसे, पर बताऊँ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो गया, और अगर मैं लेट पहुँचा तो मैं आपको क्या ही दिखा पाऊँगा वहाँ पे। बाकी माइक रेडी हो गई तू? कितना टाइम लगेगा उन्हें? तो बस सब कुछ रेडी है, बिल्कुल निकलते हैं। बाकी ये देखो एक्वेरियम हम उस दिन लेके आए थे ना जिस दिन मैं घर गया था, तो हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया था और इसकी क्लीनिंग भी हो गई थी, इसमें स्टोन्स भी डाल दिए थे। बाकी एक चीज़ है, हम बताऊँ इसमें अभी फिशेस नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारे अभी 2-3 प्लान है अभी जाने के, तो पहले वॉक फिनिश कर लेते हैं फिर उसके बाद फिशेस लाएंगे। क्योंकि मैक्स का तो ये है, हम उसे बोर्डिंग में भी डाल सकते हैं या फिर भाई नानी या फिर मामा क्या छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन यार फिशेस का ये है, उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, एक्वेरियम तो घर में ही रहेगा ना, तो इस वजह से अभी हम फिश नहीं लेके आएंगे। पर जैसे ये हम ट्रिप अपनी पूरी ख़त्म करते निपटा जाते, जो भी हमारे 2-3 प्लान है अभी, वो मैं आगे आपको व्लॉग में बता दूंगा, मतलब आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएंगे जैसे जैसे वो ट्रिप हम जाएंगे। रैक्स को छोड़ के जाना। अरे बस भाई इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है यार, इतने को लेके नहीं जा सकते, समझ तू? रैक्स गुस्सा होने लग रहा है। बाकी बताओ इसको इसलिए हमने ये बेल्ट पहना के छोड़े क्योंकि मामा आएंगे ना, तो मामा से यार ये पहनता नहीं है, तो इसमें से यार इसे बेल्ट पहना के छोड़ना पड़ा है हमें। तो रैक्स बाय, समझता है भाई मेरा वाला ऐसे अनपढ़ नहीं, मेरा वाला पढ़ा है भाई, जाने तो दे। अब वही तो यार जाने नहीं देने लग रहा है, जा अंदर भाई, अंदर चल चल जा। देखो भाई जाने नहीं दे रहा, बिल्कुल गेट के सामने आके हट चुका है। इधर चल, चल इधर चल, तेरे को नहीं लेके जाए, चल ले। ये देखो देखो देखो, अबे तू थोड़ा जरा हम जा रहे हैं भाई। रेक्स क्या दिक्कत क्या आ रही है भाई? नहीं बेटा नहीं, नहीं ले ले ले। अब बताओ इसका क्या? भाई निकल तो चुके हैं पर बहुत मुश्किल से निकले हैं, और रेक्स भौंकने लग रहा है, सुन रहे हो? रेक्स भौंकने लग रहा है। तो अभी लिफ्ट आ गई है यार, मेरा मन तो नहीं था इसे छोड़ने का, पर यार ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, गाड़ी में बैठने तक नहीं देता है। जब ये गाड़ी में जाता है ना हमारे साथ, तो मैं लिटरली भाई व्लॉग भी नहीं कर पाता उसके चक्कर में। यार मम्मी बड़ा दुकान लग रहा है यार, बताओ डैडी ऐसे क्या करेंगे, गाड़ी में नहीं जाता ना, ये तंग करता है बहुत ज्यादा। हां बहुत ज्यादा तंग करता है। और फिर जब हम होटल में स्टे करेंगे, होटल में भी स्टे करेंगे तो शायद होटल वाले भी मना कर सकते हैं। हां वो तो मना करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे ना अपने। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं घर से, और मैं सच बताऊं तो यार मेरा ना रेक्स को ऐसे छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऐसे छोड़ के आया हूँ, पर मेरी मजबूरी थी यार, क्योंकि अगर उसे साथ ले भी आता ना, तो जिस होटल में हम स्टे करते वो यार उसे अलाउ नहीं करते। बाकी यार वो पहले तो उसने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है, वो पहली बार ही ऐसा कर रहा है। यहाँ से अभी आधे रास्ते मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा और आधे रास्ते डैडी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है डैडी को वीकनेस हो रखी थी बहुत ज़्यादा, और वो पूरे रास्ते नहीं ड्राइव कर सकते क्योंकि डैडी कितना पड़ता है जयपुर? 250 के आसपास। हाँ तो 200 या 250 के आसपास कुछ पड़ता है, तो इस वजह से डैडी पूरे रास्ते ड्राइव नहीं कर सकते, तो इस वजह से ड्राइवर्स चेंज होते रहेंगे बीच में। तो भाई अभी हमने रिवाड़ी क्रॉस कर लिया है और ड्राइवर एक्सचेंज हो गए हैं, बीच बीच में मैं कभी मैं ड्राइवर सीट पर चले जाऊँगा, कभी डैडी साइड आ जाएंगे, तो यही चलता रहेगा, क्योंकि भाई एक साथ वो इकट्ठे ड्राइव नहीं कर सकते 200-250 किलोमीटर, तो इस वजह से। बाकी कर सकता हूँ भाई, अभी मैं जवान हूँ। हाँ जवान हूँ,
कुछ दिन पहले तुम पिछला व्लॉग तो तुमने देखा ही हो, कैसे जवान है मम्मी पकड़ के लेके आ रही थी जवान। अब भाई डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब जवान हो गया मैं फिर से। अरे इंजेक्शन लगाया था भाई, दोपहर में इंजेक्शन लगाया और शाम को जिम गए थे उस दिन देखो। और ये तो पता नहीं गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, बीच में ना पिकअप छोड़ने लग रही है ये। अब हो रहा है नहीं पता नहीं चल रहा है। तो जैसे हम 80 से ऊपर इसे लेके जा रहे हैं ना, तो ये बीच में ना पिकअप छोड़ने लग रही है गाड़ी यार। मतलब ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, हम जब भी निकलते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हमारे साथ आ जाती है यार। बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम चली जाती है ना। अरे बताओ अभी क्या हुआ था, जब मैं घर से निकला था ना भाई, ट्रक से मतलब भिड़ते भिड़ते हल्की सी रह गई गाड़ी पीछे से, क्या हुआ एकदम से गाड़ी ने पिकअप छोड़ दिया और मैंने लगा रखा था चौथा गियर और गाड़ी ना मतलब 40 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें, एक क्लच की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें, गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं उठाती है। तो भाई अभी एक स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे, अभी क्या लेना है, गर्मी यार बहुत ज़्यादा होने लग रही है और पता नहीं यार गाड़ी में क्या दिक्कत आ गई है, एकदम से देखना पड़ेगा इसे भी। ले आई चले चलो भी ले, चलो यार खा लें यार, ड्राइव करते करते कौन करेगा। हाँ ये भी है तो भाई, हाँ ये सही है भाई तुम्हारा, बाकी सनसेट होने वाला है ना। अरे हाँ एक काम हो, डैडी आगे साइड आ जाओ, ये देखना भाई कितने अच्छे लोग हैं, डैडी देखना, देख रहे हो। तो भाई अभी जयपुर पहुंच चुके हैं और अभी प्लान है हमारा जल महल जाने का, क्योंकि अगर हम अभी नहीं जाएंगे और कल दिन में जाएंगे ना वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जल महल ना रात में अच्छा लगता है। और बाकी मैंने यहाँ पे नेविगेशन लगा दी है जल महल की, ये कुछ 8 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, तो अभी वहाँ पे चलते हैं और फिर देखते हैं यार, खाना वाना खाएंगे फिर उसके बाद, और शायद आज जल महल ही हो पाएगा क्योंकि 9:30 या 9 तो बज गए, हाँ 9 बज गए हैं, वहाँ पे घूमेंगे तो 9:30 बज जाएंगे, तो इस वजह से काम फिर हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमें होटल भी ढूंढना है, अभी हमने कोई भी होटल नहीं ढूंढा है, जिस काम की वजह से हम यहाँ पे आए हैं ना वो काम हमारा प्रताप नगर के पास है जयपुर में, तो हम हाँ सांगानेर के पास है, तो हम सेम ही वहीं पे ही करेंगे। तो इस वजह से अभी तक हमने कोई होटल नहीं देखा है, एक बार हम जल महल पहुँचते हैं और वहाँ के बाद हम खाना वाना खाते हैं फिर उसके बाद आराम से होटल देखेंगे। पूरा सामने जल महल तो कितना सुंदर लगने लग रहा है यार, है ना। और ये यहाँ पे पूरा पानी है, ये मानसागर लेक है, मानसागर लेक नहीं है ना। जब तक मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था ना, मुझे लग रहा था कि यही है जो है, मैंने पढ़ा ना इसके बारे में, कह रहे 4 और है नीचे, और ये हाँ 4 फ्लोर नीचे है, 5th फ्लोर है इसका जो ऊपर की साइड है। बाकी एक चीज है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा कर रखा है लोगों ने, है ना, मतलब इतनी प्यारी जगह को यार इतना ज्यादा गंदा कर रखा है इन लोगों ने, क्या वो एक वो और यहाँ पे फोटो शूट और ये सब होते हैं। अरे गाय कहाँ चली गई भाई, वहाँ अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे फोटो कैप्चर नहीं हो रहा है। बाकी माई जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे कितना फुट फ्लो था ना, है ना, पर मतलब क्या है हम इस समय आते हुए ना लेट हो गए, तो इस वजह से अभी इतना फुट फ्लो है नहीं, मतलब देखोगे तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कम नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी पहले, बोटिंग होती थी यहाँ पे, पर अभी क्या माई क्या पड़ रही थी, अलाउड नहीं है उसमें, कहते हैं कि मतलब बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज लाइक हम लोगों को देखने में बहुत स्ट्रेच थिंग्स यहाँ पे हुई है, मतलब नीचे के जो 4 फ्लोर है वहाँ पे से ना मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा। और क्या पढ़ा माई तुम्हें? हाँ बस यही पढ़ा, बाकी इसमें यही पढ़ा कि 4 फ्लोर्स नीचे है और ये 5th ऊपर है। वैसे बोटिंग होती है, हम जब मैंने गूगल मैप दिखाया ना तो उस साइड से कहीं से रास्ता दिखाया था, वहाँ से बोटिंग होती है और बोटिंग से उस साइड आते हैं। अभी आइसक्रीम खाने का मन था माही और मेरा, माही मैंने ये लबड़ी वाला फ्लेवर लिया, इसमें अच्छा लगता है मेरे को, तो अभी यार खाना खाएंगे इसके बाद हम चल के, बाकी डैडी पी रहे बादाम शेक। भाई अभी गूगल ने खेल खेल दिया हमारे साथ, हम अभी प्रताप नगर की साइड चल रहे थे और अभी हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, ठीक है कि भाई हम वहाँ पे डिनर कर लें, पर इसने हमें आउटर एरिया का पूरा रास्ता दिखाया, ठीक है, और हम पूरे आउटर एरिया से आए, जो लास्ट टाइम मार्केट पड़ी थी ना वो इस बार पड़ी नहीं, अब सिर्फ
12 किलोमीटर रह गए और ये पूरा आउटर एरिया से लेके जा रहा है यार। इतना दिमाग खराब हो रहा है ना सच में, बहुत ज़्यादा। 10:30 हो चुके हैं अब, पता नहीं कि कोई मार्केट मिलेगी भी आगे या नहीं मिलेगी, कोई रेस्टोरेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं जैसा भी होता है। पर यार डैडी बुरा फंस गए अब की बार, है ना, गूगल पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। फाइनली रेस्टोरेंट मिल चुका है और ये रहा रेस्टोरेंट। बाकी पापा भी गाड़ी पार्क करने लग रहे हैं और खाना खाते हैं यार, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यार बहुत ज़्यादा भूख लगने लग रही है और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ये लोग गाड़ी पार्क कर लें एक बार, पता नहीं क्या गिर गया एक तो गाड़ी पे, पता नहीं क्या है, ऑप्शन नहीं था। रात के 11 बजने वाले हैं तो इस वजह से यार लास्ट ऑप्शन था, तो मजबूरी थी यहाँ पे आना। तो भाई फाइनली खाना खा के निकल चुके हैं और खाना सच में अच्छा था, उम्मीद नहीं थी इस टाइम पे। 11:10 हो गए हैं और सच में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे को अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बेटी कैसा लगा आपको टेस्ट? खाना बहुत अच्छा था क्योंकि पंजाबी ढाबा था। हाँ। एकदम बहुत अच्छा, जैसा मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में, मतलब मैं जितनी बार मैंने ट्रैवल किया ना, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा राजस्थान का। अच्छा, हर चीज़ मीठी मीठी थोड़ा सा। हाँ, खाना ठीक था, बिल्कुल बढ़िया खाना था, रोटियाँ सही थी, सब कुछ अच्छा था बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है सर्विस। हाँ ये तो है, ये चीज़ वेटर बहुत नाइस था हमसे भाई। अभी अरे एक की मेरे पास है, एक सेकंड। हाँ ये लो। तो भाई अभी रूम मिल चुका है और होटल है ये रहा, ठीक है। अभी हम लगेज और ये सब कर रहे हैं शिफ्ट रूम में, तो अभी वहाँ पे चलते हो, फिर आपको रूम टूर दूंगा मैं, कैसा रूम मिला है हमें वहाँ पे। तो गाइस फाइनली रूम में आ गया हूँ और रूम दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ रूम है, इस साइड कर्टेन से उस साइड बालकनी है। तो यार ऑप्शन नहीं था कुछ क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, 12:30 बज रहे हैं इस टाइम और रूम मिल गया वही काफ़ी है ना। तो बाकी हमने दो रूम बुक किए हैं, एक में मम्मी और माई स्टे करेंगी, एक में मैं और डैडी। तो डैडी अभी नीचे रिसेप्शन पे हैं और मम्मी जो है वो अपने वाले रूम में, माही ये रही। डैडी अभी नीचे फॉर्मेलिटीज़ फिल करके आ रहे हैं, जो डैडी का पैन कार्ड था और जो उन्होंने आइडेंटिटी ली थी फोटोकॉपी के लिए वो करवाने गए। तो बाकी इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।